सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की स्याही करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपके इस पावन सफर की साथी आप सबका भानुपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के तीसरे दिन दिनांक 7 फरवरी की खबरों से। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ महातीर्थ सृजन यात्रिकों का बहुमान, योगीराज नहीं होते तो तीर्थ का कायाकल्प नहीं होता, जयंत सूरी जी। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी बरासा के पटधर द्वैगच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी, श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट, श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठोत्सव में प्रतिदिन गुरु भगवंतों की शुभ निश्रा में धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। आज प्रातः से ही गुरु भक्तों का तीर्थ परिसर में आगमन प्रारंभ हो गया। पूजा दर्शन वंदन के पश्चात क्षत्रिय कुंड नगरी में धर्म सभा का आयोजन गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा, विमल गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रद्युम्न विमल सुरेश्वर जी मरासा, आचार्य श्री नरेंद्र सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में धर्म सभा का आयोजन गच्छाधिपति के मुखारविंद से हुआ। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने बताया कि धर्म सभा में आचार्य श्री नरेंद्र सूरी जी महाराज ने दादा गुरुदेव श्री के द्वारा उद्धरित भांडवपुर तीर्थ को पुण्यवंत भूमि बताया और कहा, जैसे मालवे में मोहन खेड़ा है वैसे मरुधर में यह तीर्थ मोहन खेड़ा है। आचार्य देवेश्री प्रद्युम्न विमल सुरेश्वर जी महाराज ने संबोधित करते हुए बताया कि मनुष्य सहज बने, सरल बने, तभी वह आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जीवन में आंधी आए तभी गांधी बन सकता है। और यह आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी ने मनोबल रख इस तीर्थ को महातीर्थ बनाया है। भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देवेश्री जयरत्न सूरी जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरुदेव श्री शांति विजय जी महाराज नहीं होते तो इस भांडवपुर तीर्थ का कायाकल्प नहीं होता। गुरु आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने यह स्वप्न संजोया, उसका मूर्त रूप आज साकार है और आज यह तीर्थ विश्व के मानचित्र पर उच्च शिखर पर पहुंच गया। मूल मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं को भराने के लिए चढ़ावे बोले गए, जिसमें पन्ना रत्न की श्री विमल नाथ भगवान की प्रतिमा भराने का लाभ संघवी पारसमल जी नैनमल जी संकलेचा परिवार मैंगलवा ने, पुखराज रत्न की श्री शांतिनाथ जी की प्रतिमा भराने का लाभ संघवी पारसमल जी नैनमल जी संकलेचा परिवार मैंगलवा ने, गोखला नंबर 5 में श्री नैमिनाथ भगवान की प्रतिमा भराने का लाभ श्रीमती पानी देवी कुंदनमल जी गुल्लेचा परिवार सायला ने, गोखला नंबर 6 में श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भराने का लाभ शाहजी हीराचंद जी समृथिलमल जी झोटा परिवार दधाल से, गोखला नंबर 7 में श्री पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा भराने का लाभ शाहजी संघवी जेठमल जी कीना जी संकलेचा परिवार मैंगलवा ने, गोखला नंबर 8 में सांचा श्री सुमति नाथ भगवान की प्रतिमा भराने का लाभ शाहजी मीठालाल जी नैनमल जी संकलेचा परिवार मैंगलवा ने लिया। तीर्थ परिसर में मंदिर भवन आदि के लाभार्थियों का बहुमान किया गया, जिसमें धानसा संघ, मैंगलवा संघ, दाधाल संघ, मैसूर संघ, मदुरई संघ, सुराना संघ, विजयवाड़ा संघ, श्री राजेंद्र सुरेश्वर जैन ट्रस्ट चेन्नई, थराद संघ, श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर पेढ़ी व श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर पेढ़ी शायला,
वासना संघ, डीसा संघ, बीजापुर संघ एवं घानेरा संघ का बहुमान किया गया। महोत्सव के तीसरे दिन दिनांक 7 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठान निर्मित नंदावर्त पट पूजन शाहजी भवरलाल जी, कुंदनमल जी, छत्र गोता मालानी परिवार चौराव की ओर से श्री लघु सिद्ध चक्र पूजन शाहजी दलीचंद जी, भूरमल जी भंडारी परिवार मैंगलवा की ओर से श्री लघु विषस्थानक पट पूजन शाहजी चिराग दिनेश कुमार जी, भूरमल जी भंडारी परिवार मैंगलवा की ओर से प्रातः की नवकारसी शाहजी सोनमल जी, प्रताप जी गोवानी परिवार चौराओ, दोपहर की नवकारसी शाहजी बाबूलाल जी, धनराज जी डोडिया गांधी मुथा परिवार धुम्बड़िया एवं साय की नवकारसी शाहजी हिमता जी, प्रेमा जी श्री श्री माल परिवार दाधाल की ओर से हुई। साय कुमारपाल महाराजा की भव्य आरती का लाभ शाहजी मनोहरमल जी, पुखराज जी बालगोता परिवार मैंगलवा ने लिया। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना शाहजी कालूचंद सांकलचंद जी, हुकमानी परिवार पांथेड़ी परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नैनाभिराम अंगरचना श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर संघ पेड़ी आकोली एवं प्रभु भक्ति और रोशनी श्रीमती अमरी देवी ऋखभचंद जी वैला जी छत्र गोता परिवार सायला की ओर से की गई। तो ये था आज का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर चौथे दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव के चौथे दिन दिनांक 8 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठान में श्री जयंत सिंह सूरी गुरुपद महापूजन संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ पढ़ा जाएगा। प्रातः की नवकारसी, दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नैनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। विशेष भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भवों का मंचन क्षत्रिय कुंड में ठीक प्रातः 10 बजे होगा। तो बने रहिए और विस्तृत जानकारी के लिए भांडवपुर यूट्यूब चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और ना देखना भूलिए लाइव टेलीकास्ट भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।